जब अभिषेक बच्चन यहाँ से ऐसे करके उस तरफ मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं और फिर तो ऐसे करके ही अभिषेक बच्चन सर यहाँ पर जब डांस कर रहे होते हैं तो इन सब का नज़ारा आपको, और यहाँ पर है ना कुछ लोग वगैरह खड़े रहते हैं, पहले ये वाली दीवार वगैरह जो सामने है ना देख पाएंगे, जब अभिषेक बच्चन और उनके जितने भी साथ डांसर होते हैं वो सब यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। गाइस कैसे हैं सभी, मैं हूँ ललित और आप देख रहे हैं इस वक्त ललित फिल्म सिटी को। तो गाइस अभी आप पीछे देख पा रहे होंगे एक बहुत ही खूबसूरत झील जो आपको दिखाई दे रही है, और फिलहाल इसके साथ में एक किला भी आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस आज मैं आया हूँ दिल्ली के पुराने किले पर, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साल 2004 में आई बहुत ही अच्छी और बेहतरीन फिल्म जिसका नाम था रन। तो गाइस इस फिल्म का एक गाना है जो कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर फिल्माया गया था, और पहले आपको ये गाना दिखा देता हूँ। और को नहीं होना बाप मन का यूं बाजे रे यूं बाजे। तो गाइस आज मैं इसी गाने की शूटिंग लोकेशन दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर कर ले ताकि आपको मेरी एक से एक वीडियो देखने को मिलती रहे। और गाइस इस फिल्म में जो कलाकार देखने को मिले थे वह थे अभिषेक बच्चन, भूमिका चावला और विजय राज जी। विजय राज जी का इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन रोल दिखाया गया है, और गाइस इस फिल्म की मैं अलग अलग पार्ट आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा। और गाइस अभी मैं आपको पुराने किले का ठीक पूरा मतलब नज़ारा दिखाते हुए चलता हूँ। तो गाइस आप यहाँ से देख लीजिए, ये है पुराने किले का मेन द्वार सामने आपको दिखाई दे रहा है, और ठीक अंदर ही चलेंगे जहाँ रन फिल्म के गाने की आज मैं शूटिंग दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। अंदर ही घुसते ही आपको ये बड़ा दरवाजे के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, यहाँ पर इसको आप पढ़ पाएंगे। और ये है बड़ा दरवाज़ा, ये पीछे देख रहे होंगे आप यहाँ से। फिलहाल इसको अभी मैं आपको थोड़ा सा दूर से भी दिखा दूंगा। और ये देखिए गाइस यहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय, यहाँ लहर रहा है पूरा। और मैंने आपको बताया था कि मैं ठीक आगे जाके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ से देखिए नज़ारा। ये पुराने किले का जो मेन एंट्रेंस है, बड़ा दरवाज़ा जिसको कहा जाता है, ये उसका बैक साइड है। और इधर मैंने आपको शायद पहले कभी देखी हो आपने, तो फना फिल्म के गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, वो वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर। और इधर से भी एक नज़ारा देख लीजिए, और पहले से यहाँ पर काफ़ी सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है इधर, और हरियाली भी चारों तरफ है। और दिल्ली में इस समय गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो चलिए आगे चलते हैं। गाइस ये वाली जगह जो आप देख पा रहे होंगे, ये एक रास्ता बनाया हुआ है, और ये आप देख रहे होंगे, और गाइस ये है एक मस्जिद पीछे देख रहे होंगे, और इसी के ठीक सामने ही रन फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी। फिलहाल इस रास्ते से आगे चलते हैं। गाइस जब आप यहां से ऊपर की तरफ आएंगे ना, तो आपको एक ऐसे कलर का गुंबद दिखाई देगा जो तेरे नाम फिल्म के अंदर भी शूट किया गया है। यहां पर भी फिल्म के तेरे नाम के गाने के सीन लिए गए थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और इधर एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है, और फिलहाल मैं आज आपको रन फिल्म के गाने की लोकेशन दिखाने आया हूँ। तो इस समय मैं इस मस्जिद के ठीक सामने ही आ चुका हूँ इधर, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, और रन फिल्म के गाने के लोकेशन आज मैं आपको इस जगह की दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे ये है एक मस्जिद, जो कि यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग पहले भी हो चुकी है, और मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ के पहले भी बनाए हुए हैं, और आज मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ रन फिल्म की शूटिंग लोकेशन। और फिल्म के गाने के जो सीन है वो कुछ यहाँ के फिल्माए गए थे इस जगह के, और उस समय जब ये वाला जो ये आपको गड्ढा से दिखाई दे रहा है, इसको शायद एक तरह से कवर कर दिया था, और यहाँ पर काफ़ी मतलब एक तरह की मतलब मेले टाइप का यहाँ पर लगाया हुआ था पूरा सेटअप। और ये वाले जो आप दरवाजे देख रहे होंगे ना, ये वाले जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं गेट टाइप के, और यहाँ पर पर्दे पहले टांगे हुए थे अंदर की तरफ से। तो अभी आपको सीन दिखाऊंगा, थोड़ा सा करीब से आपको और समझा देता हूं। गाइस एक बार इस मस्जिद के अंदर का आपको नज़ारा दिखा देता हूं। यहां पर कुछ शायद दिए वगैरह रखने की कुछ जगह बनाई हुई है यहां पर, और यहां पर काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है इस मस्जिद के अंदर। और ये इस मस्जिद का जो बड़ा गुंबद सा है एक जो बनाया हुआ है, ये ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, और ठीक सामने से मस्जिद अंदर से ऐसे दिखाई देगी। और गाइज़ आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पर वीर जरा फिल्म की भी शूटिंग हुई थी गाने की, जो उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तो यहाँ के भी सीन दिखाए गए हैं वीर जरा फिल्म के। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ वो भी मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा, और वीर जरा फिल्म के यहाँ पर भी सीन फिल्माए थे। और हाँ एक फ़िल्म और है लव आजकल, लव आजकल फिल्म के भी सीन यहाँ के दिखाए गए हैं, मैंने वो वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके एक बार ये ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रन फिल्म के गाने की शूटिंग, और थोड़ा सा इधर से आपको एक जगह बनी हुई है, इधर से एक बार चलते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इधर से देख रहा हूँ, ये देखिए ये कुछ ऊपर जाने का रास्ता है इधर से, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से एक इस मस्जिद के ऊपर जाने का एक रास्ता बनाया हुआ है, और एक रास्ता इधर भी है कुछ,
ये तो एक ऐसे ही छोटा सा कमरा टाइप का बनाया हुआ है इधर। और चलिए अभी आपको थोड़ा सा बाहर से और समझा देता हूँ, जहाँ रन फिल्म के जो गाने के सीन फिल्माए थे ना, वो बाहर की तरफ के ही दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ से नज़ारा इस जगह का। रन फिल्म के गाने के जब सीन आएंगे ना, आप इनमें इन दीवारों को देख पाएंगे, जहाँ पर अभिषेक बच्चन सर यहाँ पर डांस करते हैं ना, तो ये वाले हिस्से आपको दिखाई देंगे, ये वाला। और थोड़ा सा पास से इधर से और दिखाता हूँ आपको, और कई सीन यहाँ के भी दिखाए गए हैं जिसमें आपको ये वाला जो नज़ारा दिखाई देगा, ये वाला जो आप पीछे एक मतलब बहुत अच्छी हाथ की कलाकारी है, आई थिंक हाथ से ही बनाया होगा पहले, और उसमें रन फिल्म के गाने में यहाँ के भी सीन दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ठीक ये वाला जो बड़ा वाला आपको गेट दिखाई दे रहा है इस मस्जिद का, और यहाँ पर ऐसे पर्दे टंगे होते हैं, और यहाँ पर ठीक इसी जगह पे पूरा मेले का एक सेटअप बनाया होता है उस समय, और वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ पर है एक मेला लगाया हुआ है, पर वो गाना जो शूट हुआ था वो इसी जगह पर ही शूट हुआ था, पूरा सीन यहीं इसी जगह पर ही गाना फिल्माया गया था इस जगह पर ही। तो चलिए अभी मैं आपको रन फिल्म के गाने के सीन दिखाऊंगा बैक टू बैक, आप देखते रहिएगा और मैच ज़रूर कर लीजिएगा, मैं हर चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आप देखते रहना। गाइस फिल्म का पहला सीन यहाँ से आता है, जब यहाँ पर मेला ऐसे करके लगाया होता है और यहाँ पर झूला वगैरह रखा होता है इस जगह पर ही, और इस वाले को कवर किया हुआ था, मतलब ऐसे घासें लगा रखी थी इस जगह पर, और सामने आप इन नज़ारे को देख पाएंगे, इस गेट को देख पाएंगे, यहाँ पर पर्दा टंगा होता है, और ऐसा करके थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, और इस वाले पिलर को भी आप देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट से मैच कर पाएंगे, वो सीन यहाँ का ऐसे करके फिल्माया गया था। गाइस गाने का अगला सीन ऐसे करके भी दिखाया गया है, जब अभिषेक बच्चन यहाँ से ऐसे करके उस तरफ मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं और फिर ऐसे पीछे पलट के कैमरे की तरफ देखते हैं, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ वगैरह घूमती है, मेले जैसे एक मेले का माहौल होता है, तो वो सीन ऐसे करके फिल्माया गया था। और सामने आप इन दीवारों को देख पाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो कुछ मतलब आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जगह यही वाली थी इस गाने के अंदर जो दिखाई गई है, पर वो जगह यही थी। आज मैं आपको पूरा दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद का अगला नेक्स्ट शॉट है गाइस, एक सीन में जब इस गाने के जो मेन कलाकार होते हैं शायद जो गाते हैं ना, वो यहाँ पर खड़े होकर गाने को गाते हैं, और पीछे ये वाली जगह को आप देख पाएंगे, थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखिए अब आप इस वाली दीवार को देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट पे ही मैच कर पाएंगे, और ये वाले जो पिलर है यहाँ से, तो पूरा कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार से फिल्माया होता है, और यहाँ पर ही सभी लोग खड़े रहते हैं और उनके गाने को एंजॉय भी करते हैं, और ऐसे करके शॉट दिखाया जाता है। आपको बैक टू बैक यहाँ के सभी सीन दिखाऊंगा, और बाकी गाने के कुछ सीन पीछे की तरफ भी फिल्माए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस वाली जगह को देख लीजिए, और इसके बाद क्या नेक्स्ट शॉट यहाँ का दिखाता हूँ। इस गाने के आगे के सीन यहाँ से दिखाए गए हैं, जब अभिषेक बच्चन सर यहाँ पर डांस कर रहे थे इस जगह पर, और काफ़ी क्लोज करके शॉट दिखाया जाता है, इन पेड़ों का नज़ारा कुछ ऐसे करके आता है, इन पेड़ों को आप मैच कर पाएंगे, तो पीछे यहाँ पर ही अभिषेक बच्चन सर यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, और पीछे ऐसे करके इन पेड़ों को सामने इस वाले पेड़ का नज़ारा भी दिखाई देगा, और इधर से धूप काफ़ी तेज़ है यार, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, सीधी मतलब धूप भी मेरे मुंह पे ही आ रही है। और यहाँ से ही शॉट फिल्माए गए थे गाने के आगे के, और गाने के बाकी के सीन है ना यहाँ बाहर की तरफ के हैं। चलिए अभी फिर से आगे के दिखाता हूँ। और गाइज इसके बाद ठीक गाने के जो आगे के सीन है वो यहाँ के दिखाए गए हैं, जब अभिषेक बच्चन सर यहाँ पर डांस करते हैं तो इस वाली जगह का नज़ारा आपको दिखाई देगा, आप ध्यान से देखेंगे, और इस जगह को ही मतलब ऐसे करके दिखाया गया है, स्क्रीन शॉट से भी आप मैच कर सकते हैं इधर से भी, और उसके बाद जब कैमरा एंगल है ना थोड़ा सा आगे से करके ना, फिर यहाँ से सामने से दिखाया जाता है ऐसे करके, कुछ ऐसे करके शॉट आता है, आप स्क्रीनशॉट से भी मैच कर पाएंगे। अभिषेक बच्चन जब यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं पीछे का इसका नज़ारा दिखाई देगा, और थोड़ा बहुत यहाँ का भी आपको दिखाई देगा, आप स्क्रीनशॉट से भी मैच कर सकते हैं। और ठीक इसके बाद का जो फिर आगे का सीन जब कर दिया जाता है तो वो सीन यहाँ से दिखाया जाता है, तो कैमरा एंगल कुछ ऐसे करके इधर घुमा दिया जाता है, और पीछे आप इन दीवारों को देख पाएंगे, इस जगह को देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट से भी आप मैच कर सकते हैं, पूरा नज़ारा कुछ है कुछ इसी प्रकार से फिल्माया जाता है इस मस्जिद का। और यहाँ से इस मस्जिद को देखिए कितनी अच्छी इस पर मतलब एक तरह की कलाकारी की गई है इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा मतलब। और चलिए गाने के आगे के सीन और देख लेते हैं हम। और गाइस गाने का आगे का सीन जब अभिषेक बच्चन यहाँ से ना ढोल बजाते हुए आते हैं इस जगह से ऐसे करके, और सारे मेले वाले जितने बंदे होते हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और अभिषेक बच्चन सर के साथ ही डांस कर रहे होते हैं ढोल लेके, और पीछे यहाँ से आप देख सकते हैं इन पेड़ों का नज़ारा दिखाया जाता है कुछ इसी प्रकार से। और फिलहाल कुछ गाने के सीन है ना ऐसे करके, उधर एक मतलब किला टूटा हुआ है, पीछे की तरफ एक मेन गेट है इसका ही मतलब पुराने किले का ही, और उधर से वो सीन दिखाए गए हैं। चलिए फिलहाल उधर चलते हैं और गाने के आगे के सीन देखते हैं। और गाइज रन फिल्म के गाने के आगे के सीन की तरफ मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक किला है, और पहले ये किला काफ़ी टूटा था, मतलब इसको रिपेयर काफ़ी हद तक कर दिया है, और स्क्रीनशॉट में आप देख पाएंगे। अभी थोड़ा सा इसको ना हम बढ़ा देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, समझ में भी आएगा।
तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से, और ये काफ़ी दूर तक और काफ़ी अच्छा किला है। नीचे की तरफ से पहले एक ये गेट हुआ करता था पुराने किले का, ये भी, क्योंकि इसके आई थिंक 3 गेट है पुराने किले के। और यहाँ से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ इस जगह से, तो ये देखिए काफ़ी दूर दूर तक। और फिल्म के जो गाने के सीन है ना, अभी आपको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ पीछे से यहाँ से, तो ऐसा करके शॉट आता है अभिषेक बच्चन का सर का। और यहाँ पर है ना कुछ लोग वगैरह खड़े रहते हैं, पहले ये वाली दीवार वगैरह जो सामने है ना, ये वाली, ये सब टूटी पड़ी थी पहले, तो इसको काफ़ी रिपेयर वगैरह करके बना दिया है। आप स्क्रीनशॉट से मैच कर पाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब डांस कर रहे होते हैं अभिषेक बच्चन सर के साथ, और यहाँ के शॉट दिखाए गए हैं। ज़्यादा शॉट खैर इस तरफ के नहीं लिए थे, क्योंकि बाकी वो जो सीन थे वो उसी तरफ के लिए गए थे मस्जिद के बाहर के। और यहाँ का आगे का सीन दिखाता हूँ, इस गाने के आगे के सीन थोड़े से यहाँ से क्लोज करके दिखाए गए हैं। थोड़ा सा इधर से समझ नहीं आ रहा है वो कौन सी दीवार ऐसे दिखाई दे रही होगी पीछे की तरफ। और यहाँ पर अभिषेक बच्चन सर के साथ सभी डांसर डांस कर रहे होते हैं, और पीछे का नज़ारा आता है, पर पूरे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि झंडे वगैरह ये सब मतलब मेले टाइप का ही यहाँ पर एक मतलब पूरा सेटअप बिठाया हुआ था यहाँ पर भी। और ऐसे करके शॉट आता है, और इसके बाद का आगे का सीन और देखते हैं। इस रन फिल्म के यहाँ पर 2-3 सीन ही फिल्माए गए थे, और बाकी उधर के ही सीन दिखाए गए हैं मस्जिद के बाहर के, तो चलिए उधर ही चलते हैं वापस। और गाइस अभी मैंने आपको उस तरफ के सीन दिखा दिए हैं, और बाकी फिर दोबारा से सीन यहाँ के दिखाए जाते हैं। तो ऐसे करके ही अभिषेक बच्चन सर यहाँ पर जब डांस कर रहे होते हैं, तो इन सब का नज़ारा आपको दिखाई देगा। आप स्क्रीन शॉट से मैच कर पाएंगे पीछे के नज़ारा, यहाँ पर्दे वगैरह लगे होते हैं, आप फिर से एक बार देख लीजिए स्क्रीन शॉट से। गाने के काफ़ी सीन है इसी जगह पे ही फिल्माए गए थे, कैमरा बदल बदल के, एंगल बदल बदल के शॉट दिखाए गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद का आगे का सीन और दिखा देता हूँ गाइस। गाने का आगे का सीन यहाँ से दिखाया गया था, जब अभिषेक बच्चन सब यहाँ डांस करते हैं, तो इस वाले आप डिज़ाइन को मैच कर पाएंगे। थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे करके भी शॉट आता है एक, जब अभिषेक बच्चन यहाँ डांस कर रहे होते, और यहीं पर ही पर्दे वगैरह टांगे हुए थे, और पीछे इस वाले डिज़ाइन को आप स्क्रीनशॉट से भी मैच कर सकते हैं। तो नज़ारा यहाँ का दिखाया गया है, और इसके बाद का आगे का सीन इस जगह का है। चलिए आगे चलते हैं। और गाइस गाने के आगे के सीन यहाँ से दिखाए जाते हैं, जिसमें आप इन पेड़ों को देख पाएंगे, और ये वाले इस कोने को देख पाएंगे, और इस दीवार को भी देख पाएंगे, जब अभिषेक बच्चन और उनके जितने भी साथ डांसर होते हैं वो सब यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं इस जगह पर ही, और सीन दिखाए जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट से पूरा मैच कर सकते हैं। और गाने का जो मतलब गाना इसी जगह पे ही एंड भी हो जाता है, और इधर से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद कैमरा एंगल थोड़ा सा ऐसे करते हैं जिसमें आप ये सब देख पाएंगे, और सभी यहाँ पर डांसर डांस कर रहे होते हैं अभिषेक बच्चन सर के साथ में, और यहीं के ही सारे सीन दिखाए गए थे। इस रन फिल्म के गाने के जो भी सीन मैंने आज आपको दिखाए आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और गाइज़ अब हम किसी अच्छी और नई जगह मिलेंगे, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, दोस्तों वंदे मातरम।